इस रियासत की हर चीज से तुम्हारे पिताजी की खुशबू आती है। वेलकम बैक टू इंडिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई अंकल। क्या? लोग अच्छी पढ़ाई के लिए हिंदुस्तान से फॉरेन जाते हैं। हाँ हाँ। और आपने मेरी पढ़ाई के लास्ट ईयर में ही मुझे यहाँ बुला लिया, क्यों? बेटी तुम 500 करोड़ की मालकिन हो, तुम्हारी जायदाद और बिजनेस देश विदेश में फैला हुआ है। आज तक मैं केयरटेकर रहा और इसकी देखभाल करता रहा हूँ, लेकिन अब तुम अगले महीने 21 बरस की हो जाओगी और तुम्हारे पिताजी की वसीयत के मुताबिक तुम्हारी 21 बरस के होते ही ये तमाम जायदाद की मालकिन तुम अकलौती हो जाओगी। हिंदुस्तान तुम्हें बुलाना पड़ा क्योंकि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत थी। My education, मेरा पढ़ाई करना भी तो जरूरी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हारी एडमिशन यहाँ के बेहतरीन कॉलेज में करवा दी है और तुम्हारा नाम हॉस्टल में भी लिखवा दिया है। पर अंकल मेरे वहाँ पर दोस्त हैं, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। यहाँ भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे और फिर उस कॉलेज में मेरा बेटा प्रेम भी पढ़ता है। Oh. उसी हॉस्टल में रहता है वो। That's okay. वैसे प्रेम है कहाँ, नजर नहीं आ रहा। भाई वो उसे एडवेंचरस लाइफ का बड़ा शौक है, हर बार कोई ना कोई हंगामा करता रहता है। अभी भी कहीं ना कहीं कोई हंगामा कर रहा होगा। अंदर लाओ उसको, अंदर लाओ। बिठाओ सर, बिठाओ यहाँ पे। कोई मुझे बचाओ, नहीं मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। जिसके पर्स में इतना माल है उसकी तिजोरी में कितना होगा? कुछ करना पड़ेगा। रोहित तू साले हमेशा मेरा खाना खराब करता है। अगर आज तू हमारे बीच आया तो तू यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मुंह बंद करो इसका। 30 सेकंड में माफी मांग के चुपचाप यहां से निकल जा। भाई लोग लगता है इसे अपनी बात समझ में नहीं आई। 20 सेकंड, 10 सेकंड। अबे 10 सेकंड में तो तेरे 10 टुकड़े कर दूंगा मैं। साला भंकस। कब? हाय मारो इसे, मारो। मार साले को, मार, छोड़ दे मैं, चुप चुप, मार साले को, हाथ मोड़ दे साले की, चुप चुप, मार, छोड़ दे मैं, पकड़ो उसे। चाबी दे जल्दी वरना काट दूंगा इसको। चाबी दे मुझे, चाबी दे। आगे मत बढ़, चाबी दे दे। चल निकाल, जल्दी कर जल्दी, आगे मत बढ़ वरना काट दूंगा इसे। देख चाबी दे दे रोहित, चाबी रोहित, देख देख मुझे जाने दे, देख मुझे जाने दे रोहित, रोहित प्लीज रोहित, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ रोहित, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। हाँ या
लगी है। तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हो तो हम तुम्हें बताते हैं कि हम बहुत अमीर घर की औलाद हैं। हमारे माँ बाप को सिवाय पैसे के ना तो किसी से प्यार है और ना ही लगाव, इसीलिए हम ऐसे हैं। जिंदगी में पहली बार एक ऐसा इंसान मिला है जिससे हम मोहब्बत कर सकें। अगर तुम चाहो। एक्सक्यूज मी, मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरी हसरत और मेरी कमजोरी सिर्फ दौलत है, दौलत। ये लो दौलत। सिमरन, साला हमेशा लेट आता है तू। हाय। हाय। तू भी एक नंबर का नगीना है। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन हाँ गारंटी देता हूँ कि मेरे जैसा दूसरा पीस तेरे को कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, वो तो तुझे देखकर ही समझ में आता है। अपना तो स्टाइल ही अलग है ना क्या। चला बैठ। क्या? वाह क्या स्टाइल है तेरा, देख लेना। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। क्या? कि तुझे लड़की खिलाने में इतना इतराज क्यों है? भगवान ने शक्ल तो अच्छी दी है और तेरा फिगर भी बड़ा अच्छा है। क्या क्या चाट मारते? यानी यानी क्या? बहुत दर्द करी, रात को एक करवट सो गया था, पूरी बाजू दर्द कर रही है। चल आजा। चलो आराम से चल बे, संभाल के। हाँ कहिए। चार वड़ा और छह प्लेट सैंडविच और 12 बर्गर, 2 पिज्जा और एक काम करना, समोसे है ना, 10 समोसे और 2 पेप्सी, फटाफट लेकर गया। छह लोगों के लिए कितना ऑर्डर देगा? और 6 लोगों के लिए नहीं, मेरा अपना ऑर्डर है यार। पीटे की कुआ, तुम लोग अपना अपना ऑर्डर खुद दे दो यार। ए रुक, खाली कुछ सैंडविच और 2 पेप्सी लिया हम सबके लिए। हाँ भाई जो, अच्छा लाता हूँ। मेरा फटाफट लेकर गया। इसका बिल कौन देगा? तू। ज्यादा नहीं, 250 से कम हो जाएगा। 250 तो बहुत ज्यादा है। सच्ची? मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। हाँ अबे सर धारा, पैसे तो तू ही देगा। मैं बिल नहीं दूंगा। अबे साले अंधा है क्या? जी माफ करना बहन जी। बहन जी? सर बहन जी किसको बोला तू? छोड़ यार, किसको बोला बहन जी तू? जी वो तो क्या, वो तो क्या, रिलैक्स। कॉलेज का तो नहीं लगता है तू? हाँ कौन है तू? जी मेरा नाम रमेश खन्ना है, MSc फाइनल ईयर में न्यू एडमिशन। ओ अपनी ही क्लास का, लेकिन ऐसे भाग्य क्यों आ रहा है तू? वो लोग हमको लूट रहे हैं। वो लोग? ओहो आ तो सर। अबे चल। हाय हाय हाय। अच्छा हुआ तू इसे पकड़ लाया, अपना गेम हार के बिना बिल चुकाए भाग रहा था। ये बिल देगा, लेकिन जब तुम लोग मुझसे जीतोगे तब। तू इसके लिए अपने ग्रुप से गद्दारी करेगा यार? चल नहीं करता यार, ये डबल नाश्ते का बिल देगा और तुम लोगों को 1-3 चांस देता हूँ, बोला मंजूर है? ओ यानी 3 चांस में ग्लास में 1 दफे माचिस डालने पर हम जीत जाएंगे। हाँ इतने पैसे तो नहीं मेरे पास। ओ चार्लिंग चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तू स्टार्ट कर। हाँ ठीक है। हाँ। लगा ले चोर मेरे लड्डू। अब जाएगी चिंता मत कर। What's up? Good morning, sir. Good morning. हाय यार क्या चीज है। रहने दे मेरे हीरो, रहने दे।
तेरे बस की बात नहीं है। हाँ। अरे मिलेगी तो पता चलेगा ना। अरे यार पहले पता तो करो कौन है ये। यस। पूजा। हाय। हाय, वेयर आर यू यार? पूजा। अरे यार तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ। काफी देर तक तुम्हारा इंतजार किया, भूख लगी थी इसलिए यहाँ आ गई। ओह नो मैडम, ये तुम्हारा कनाडा नहीं है जहाँ हर जगह अच्छा खाना मिलता है। ओह कनाडा से आई है। तो इसका मतलब फिर रंगी है साली। ये। अरे इस कैंटीन का खाना खाया ना तो तुम्हारा पेट गड़बड़ हो जाएगा। हाँ इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेके जाता हूँ जहाँ कनाडा जैसे डिलीशियस खाना मिलता है, चलोगी? अरे तो जा रही। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी प्रेम, एक्सक्यूज मी, इस फिरंगी को कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे तो लग रहा है कैनेडियन बैटरी इंडियन गाड़ी को सूट नहीं कर रही है। Am I right, Pooja? You stupid! Pooja! अरे सिमरन, सिमरन, अरे संभल के जरा, ये इम्पोर्टेड माल है और इम्पोर्टेड माल बहुत ही नाजुक होता है, हैंडल विद केयर। एक मिनट मैडम फिरंगी, ये हिंदुस्तान है और यहाँ सिर्फ प्यार की बोली चलती है और आपकी भलाई इसी में है कि आप यही बोली बोले वरना। जो बात तुम मुझे समझाना चाहते हो उसे पहले खुद समझो और दोबारा मेरे साथ बदतमीजी मत करना वरना। चलो प्रेम। चलो पूजा, इन लोगों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। चलो प्रेम। देखा रोहित, इस फिरंगी मिर्ची की अकड़। इस मिर्ची को फ्राई करना तो मुझे अच्छी तरह आता है। Keeps on repeating, I am... हटिए, हटिए। वाचनालय में नृत्य करना निषेध है, सौभाग्यवती परमजीत। Don't call me परमजीत। I am Miss Pam। और आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे सौभाग्यवती मत कहा कीजिए। Call me Miss Pam, Princess। ठीक है, जाइए कक्षा में प्रवेश कीजिए। What are you doing here, ma'am? कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि मेरे समक्ष हिंदी में वार्तालाप किया कीजिए। सॉरी प्रिंसी। प्रिंसी नहीं, प्राचार्य महोदय। नहीं बोल पाएंगी, रहने दीजिए। ओके, आप यहाँ क्या करने आए थे? क्योंकि आप वहाँ नहीं थी इसलिए। क्योंकि मैं केबिन में आपका इंतजार कर रही थी इसलिए। इसलिए? क्योंकि मैंने आपके लिए अपने हाथों से पिज्जा बनाया है इसलिए। उसे जरूर खा लीजिएगा प्लीज। क्यों 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 आप व्यर्थ में ये कष्ट उठाती हैं? क्यों लाती हैं आप ये सब? क्योंकि मैंने सुना है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है और मैं उसमें पहुंचना चाहती हूँ। मेरे मेरे पेट में? Oh, no! आपके हाथ में। देखिए देखिए देखिए, बकवास बंद कीजिए और धंधे पे ध्यान दीजिए। What did you say? मेरा तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम में ध्यान दीजिए, जाइए कक्षा में प्रवेश कीजिए। Oh, good morning, man. Very good morning to you all. Well, कुछ नए faces दिखाई दे रहे हैं क्लासरूम में, पहले उनसे इंट्रोडक्शन हो जाए। Yes, you. Oh my God. जी मेरा नाम रमेश खन्ना उर्फ कलाकार है। All the best to you, कलाकार। Thank you, ma'am. Sit down. And you? Me, ma'am. फिरंगी है ये फिरंगी। What? Imported माल है मैडम। Shut up, Sibran. What's your name, baby? My name is Pooja और मैं कनाडा से आई हूँ। Sit down. तो अब हम शुरुआत करते हैं सीन एंड अनसीन फोर्सेस के बारे में। ओके चिल्ड्रन, आई वुड लाइक यू ऑल टू हैव अ डिबेट अबाउट सुपरनैचुरल फोर्सेस। आई मीन घोस्ट, प्रेत, भूत। ओह नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राम गोपाल वर्मास भूत, उर्मिला। आई लव उर्मिला, शी इज सेक्सी लाइक मी। ये तो राम गोपाल वर्मा का बैड लक है कि उसने मुझे नहीं रखा, नहीं तो फिल्म और भी बड़ी हिट होती है ना स्टूडेंट। इट्स ओके, इट्स ओके। Can anybody define the difference between seen and unseen forces? Yes, ma'am. Yes, Pooja. Ma'am. Ouch. Oh, oh, what happened, Pooja? अरे अरे घंटे बज गए, चलो भाई चलो. Yeah. Oh, see you.
अबे चल ना। थैंक्स। अरे इस चक्कर में मेरे को थप्पड़ खाना पड़ा, मार मत तेरे को। तुम मेरे साथ ही यही करते हो। नो साला। बाया। व्हाट्स योर नेम? सर्बी। थैंक्स। इट्स ओके या? तुम तो जैसी नहीं हो। फिर तुम उन लोगों के साथ क्यों हो? कम ऑन यार, कॉलेज में न्यू स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग तो होते ही है। रैगिंग? या किसी को नंगा करना तुम रैगिंग बोलती हो? उस मोटे को तो मैं, उस मोटे ने कुछ नहीं किया, उसे खाने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। ये तो वही हुआ ना, करे कोई और भरे कोई। तो ये किसने किया? तुम्हारे स्टूपिड ने, वो देखो। लेकिन मैं इसके फीते का क्या करूं? ओए रुक यार, देख मैं क्या करता हूं। बाय। हां हे बेबी, व्हाट इज दिस? अरे यार, इतने अच्छे सेक्सी ड्रेस पर तुमने ये क्या डाल रखा है? अरे निकाल के फेंको। ओ आई एम सॉरी सॉरी, लेकिन तुम्हारी ये हालत किसने की? क्या करोगे जानकर? तुम सिर्फ मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हारी हालत की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसकी जान नहीं, उसका सिर चाहिए अपने कदमों पर। लेकिन उसका नाम तो बताओगी? वो तूने तो कमाल कर दिया यार, क्या हालत है उसकी देखने वाली। नहीं रोहित, देखना अब ऐसा ही होगा। हाय 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 बड़े, हाय बंटे, क्या ना तू? क्या यार बड़ी पढ़ाई कर रहे हो? हाय अगर पीछे से वार करना तो जिंदा मत छोड़ना। तेरी तो मैं कमान गया।
ये सब करने की क्या जरूरत थी? एक आग मार दी होती मैं वैसे ही मर जाता। स्टूपिड। मैंने देखी नहीं पहले कहीं।
बंदे को 10-12 लड़के लड़कियों का गैंग बनाकर खुद को हीरो समझता है। उस कमीने को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी। ऐसा ही होना चाहिए प्रेम। पूजा के दिल में तुम्हारे लिए अपनी जगह बनाना बहुत जरूरी है, वरना अपना सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। प्लान? कैसा प्लान डैड? अरे ये रुतबा, ये ओहदा, ये ऐशो आराम, जानते हो किसकी बदौलत है? ये सब पूजा की दौलत की देन है। पूजा का डैडी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी मौत के बाद पूजा के 21 साल होने तक उसकी तमाम दौलत का ट्रस्टी मुझे बना दिया गया। अब थोड़े ही दिनों में पूजा 21 बरस की हो जाएगी और फिर ये करोड़ों रुपयों की दौलत की मालकिन सिर्फ पूजा अकलौती होगी। फिर हमारा क्या होगा? ये रुतबा, ये ऐशो आराम जिसकी हमें आदत पड़ गई है और जिसके बगैर हम 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते, वो सब कुछ हमसे छिन जाएगा, छिन जाएगा। ओह नो डैड। हाँ, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। तुम्हें किसी तरीके से भी पूजा के दिल में अपनी जगह बनानी होगी और उससे शादी करनी होगी। एक बार पूजा से शादी हो गई ना, तो फिर पूजा भी हमारी और उसकी दौलत भी हमारी। एसुकी जल्दी आ यार, नींद आ रही है, जल्दी आना। हाँ हाँ आया आया। तू बड़ी जल्दी सो जाता है यार। फटाफट लाइट बंद कर, सुबह 7 बजे उठना बच्चू। हाँ यार। रुको, तुझे अभी मेरे साथ और खेलना पड़ेगा वरना। हारने का गुर्दा ना हो तो मेरे साथ कभी खेलना नहीं, क्योंकि मैं कभी हारता नहीं। इस ताज के 52 पत्ते मेरी उंगलियों के गुलाम हैं और मैं इस दौलत का, और इस दौलत को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। चल बे। ऐसे किसी मारती हो, सही तरीके से मारो ना। अरे मारेगा मारेगा तो चल भी पुलिस में चल। ओह माय गॉड, क्या भी मारना चाहिए, वह मारते नहीं है, हर वक्त गलत जगह पे ही मारते हैं। मुए कहीं। हाँ। रोहित रोहित पूजा से होशियार रहना। क्यों? अरे वो कल तूने उसकी रैगिंग करी थी ना, बहुत चिड़ी हुई है, कहती है रोहित के बच्चे को सबक सिखा के रहूंगी। इस अमीर जाति का दिमाग ठीक करने के लिए कोई नया पैतरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस। या चल चल चल
मेम साहब क्या है? एक बात बोलो, इस गाड़ी में मत बैठिएगा। क्यों? इसमें कुछ गड़बड़ है। एक लंबा सा आदमी आया था खूबसूरत मोटरसाइकिल पे, गाड़ी के नीचे चला गया और गाड़ी में गड़बड़ी की और चला गया। मोटरसाइकिल पे रोहित कर गई मस्त मुझे ये हवा, ये हवा मैं लगा झूमने, मुझको क्या हो गया, कर गई मस्त मुझे ये हवा, ये हवा मैं लगा झूमने। क्या हो गया? अरे पूजा, रोहित, रोहित कैसे हो तुम? ठीक तो तुम? डॉक्टर साहब जी, चिंता की तो कोई बात नहीं है ना। इनके माथे पर मामूली सी चोट है, पट्टी बांधी है मैंने, लेकिन घुटने में चोट थोड़ी ज्यादा है। कुछ एक्सरसाइजेस मैंने बताई है, वो करेंगे तो 2-3 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और पूजा, पूजा वो तो खतरे से बाहर है ना? ए पूजा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अरे मैं तो डर गया था यार। मैं तुम हॉस्पिटल में हो? मुझे यहाँ कॉल आया। रोहित। रोहित? हाँ, शुक्र करो मैडम कि वो रोहित आपको सही वक्त पर यहाँ ले आया, वरना आज आपकी जिंदगी का जय हिंद हो गया होता। मैंने उसके मोटरसाइकिल के ब्रेक फेल किए उसकी जान लेने के लिए, और उसने मेरी जान बचाई। हाँ वो है ये सब बेवकूफ, लेकिन मैडम आपको उसके पीछे जाने की क्या जरूरत थी? प्रेम, पूजा कौन है बे? आई क्या? हाँ पूजा ने। हाँ उससे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पकड़ो उसे, रोको। चिंता मत करो पूजा, तूने मेरे रोहित की जान लेने की कोशिश की, तुझे जिंदा नहीं छोडूंगी मैं। रुक जाओ सिमरन। सर इसने हमारे रोहित को मारने की कोशिश की है, सर इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यार छोड़ो मुझे, इसको इसको तुम्हें। ये क्या कर रही हो सिमरन, समझने का प्रयत्न करो। इसने जो कुछ भी किया इसकी मूर्खता थी, नादानी थी, और नादानी में त्रुटियां होती ही रहती हैं, जिसे क्षमा कर देना ही बुद्धिमानी है। एनु माफी तो नहीं मिल सकती है सर। ओहो सुखविंदर, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। इसके किए की सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए। इसको इसी वक्त पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इस स्थिति में इसकी इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। लड्डू इंसान हो तुम लोग या इंसानियत से नाता तोड़ चुके हो कि एक इंसान के लिए इस तरह से कह रहे हो? लेकिन रोहित ये इंसान नहीं है। सिमरन जो तुम इसके साथ करना चाहती हो, क्या उसके बाद तुम लोगों को इंसान कहलाने का हक रहेगा? हाँ। चलो मिकी। देखा देखा तुमने रोहित को, सुना तुमने रोहित को, ऐसा है रोहित, और तुमने उसके साथ ऐसा किया? पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया था सर, उसने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। असंभव, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हुआ था सर। यदि ऐसा हुआ था तो तुम्हारे साथ घटना क्यों नहीं घटी? क्योंकि मुझे एक भिखारी ने पहले से ही आकर बता दिया था। भिक्षुक? ये भिक्षुक पहरेदारी कब से करने लगे? यदि रोहित ने ऐसा किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई संदेश पहुंचाना उसका तात्पर्य होगा। जब ऐसा होता है तभी भिक्षुक पहरेदार बनता है। यदि वह तुम्हें मारना ही चाहता था तो स्वयं घायल होने के पश्चात तुम्हें उठाकर यहां क्यों लाता? रोहित सही अर्थों में मनुष्य है पूजा, वह अनाथ है। जीवन को उसने
बहुत समीप से देखा है, इसलिए वो किसी को दुख पहुंचा ही नहीं सकता। उसे समझने का प्रयत्न करो पूजा। वो मनुष्य घृणा करने के लिए नहीं बल्कि प्रेम करने के योग्य है। उसे अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं मित्र बनाओ। अरे मेरे बाप, छोड़ दे से, छोड़। अरे एक्सरसाइज करा रहा हूँ। तेरी एक्सरसाइज से मेरी अच्छी टांग टूट के हाथ में आ जाएगी, छोड़ दे से। अरे वाह, तू तो बड़ा एहसान परामोश है। एक तो तेरी सेवा करो, ऊपर से तो मुझे बातें सुना रहा है। हा? अरे मेरे बाप, तुझे बात सुनाऊं? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन तेरी सेवा से एक बात समझ में आ गई है मुझे। कौन सी? कि तेरी सेवा ऐसी है, या तो मर्ज रहेगा या तो मरीज। क्या? अरे क्या? अरे अच्छा रोहित, रोहित क्या? रोहित सुनना, बोला अपने भाई लोग ना बैडमिंटन कोर्ट में खेल रहे हैं, चल अपन भी चलते हैं। जा, मैं नहीं आता। चल ना। बोला ना मैं नहीं आता। चल ना, ज्यादा नाटक मत कर। चल चल, अभी तो बातें मत बना। चल चल मेरे पास। चल प्लीज कम ऑन। क्या भाई लोग? Hi everybody. Hi Simran. और भाई सिमरन भाई, भाई बोले तो सिमरन भाई। अबे जम के खेल चुके? आओ देखो कैसे खेल रहे हैं, सब एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं। जम के हाँ। शका प्यार, इसमें इतना हंसे चिल्लाने वाली क्या बात है? स्टुपिड। हाँ तुम्हारी तो कभी फटती नहीं है ना? भाई मुकाबले में तो हम लोगों की कभी नहीं फटती, मुकाबले में औरतों का ये हाल जरूर होता है क्या? हाँ, दोबारा कभी मर्दों से पंगा नहीं लेना। ए, पढ़ाया मर्द का बच्चा, ये मत भूलो औरतों के बिना मर्दों के खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। अरे औरत सिर्फ खाना पकाना जानती है, कमाना नहीं। ठीक बोला। आज की औरत कमाना भी जानती है और तुम जैसे मर्दों को अपने टुकड़ों पे पालना भी जानती है। लेकिन आज तक औरत की पहचान मर्द के नाम से ही होती है। लगता है तुम लोग झांसी की रानी अहिल्या बाई और मदर टेरेसा को भूल गए हो। बिल्कुल नहीं भूले, उन महान औरतों को हम तो क्या दुनिया में कोई नहीं भूल सकता। लेकिन उन तीनों के नाम की रॉयल्टी तुम औरतें कितने दिनों तक खाओगी? और नहीं तो क्या, अरे मर्द तो मर्द ही होता है और मर्द के बिना औरत की औकात ही क्या? औरत आदमी की प्रेरणा होती है, उसकी शक्ति होती है। हाँ, और वही औरत दुनिया में हर गुनाह की सबसे बड़ी वजह होती है। आदमी औरत के बिना दो दिन भी नहीं जी सकता। और हाँ। औरत आदमी के बिना दो पल भी नहीं जी सकती है मैडम। कम ऑन यार, ये बेकार की बहस बंद करो। वैसे भी आज की डेट में औरत आदमी से किसी भी लिहाज में कम नहीं है। आपके मिल्खा सिंह हो गए और हमारी पीटी उषा। यानी जो हम लोग कर सकते हैं वो तुम भी कर सकती हो? तो ये लोग ये करके दिखाओ। अगर ए नहीं कर सकती तो फिर ये करके दिखाओ। क्या बात है मैडम फिरंगी, सारी लड़कियां तो शर्मा के चली गई, आप यहीं पे खड़ी हैं। क्या आपका भी पूरा शो देखने का इरादा है? या आप भी अपने आप को हमारी तरह मत समझती हैं? वो बात नहीं है सिमरन, शर्म हया लाज हिंदुस्तानी औरतों का गहना है, इन फिरंगियों का नहीं। अरे हाँ यार रोहित, ये तो मैं भूल ही गया था, लेकिन यार अगर इस मैडम ने पूरा शो देखने की डिमांड कर दी तो मैं तो नहीं दिखा सकता। मैं तो शर्म आती है। मैंने भी और मुझे भी। अरे इसे क्या हो गया? कमाल है, सारा कॉलेज तुमको हीरो मानता है। मैं भी मानने लगी थी, मगर औरत के बारे में ऐसी घटिया बातें तुमने की कि एक ही पल में तो मेरी नजरों में हीरो से जीरो बन गए। बताओ ऐसा कौन सा काम किया है मर्द ने जिसकी वजह से मर्द औरत से ज्यादा महान बन गया है? बताओ। हजारों काम किए, क्या किसी औरत ने किसी मर्द के लिए ताजमहल बनाया? क्या कोई मर्द अपनी पत्नी की चिता पर बैठ के कभी सती हुआ है? मर्द हमेशा से खुदगर्ज रहा है और औरत दया और प्रेम का सागर। अगर शाहजहां ने मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल नहीं बनाया होता तो आज वो मर्द इतिहास में दो लाइनों की कहानी बनकर रह गया होता, सबके दिलों में मोहब्बत बनकर नहीं धड़कता। तो आज महान कौन हुआ, शाहजहां या मुमताज? अच्छा, और उसी औरत ने जो महाभारत करवा दिया उसका क्या? अरे शुक्र मनाओ उस द्रौपदी का, अगर महाभारत नहीं होता तो क्या इस दुनिया को गीता का संदेश नसीब होता? अगर औरत ऐसी महान है तो उसकी वजह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को
प्रकांड पंडित रावण मत का गुनहगार क्यों बनना पड़ा? हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तानी कहलाते हो, पर अफसोस होता है तुम्हारी सोच पर, क्योंकि हिंदुस्तानी संस्कृति से तुम बिल्कुल अनजान हो। अरे तुमसे तो हम अच्छे, जो इस मिट्टी से दूर रहकर भी इससे अनजान नहीं है। जब राम ने सीता के लिए रावण का वध किया, तभी वो राम भगवान श्री राम बने। तो तुम कहना चाहती हो कि औरत भगवान से भी ज्यादा महान है? हमारे भगवानों ने भी उसी औरत की कोख से जन्म लिया है। इसका मतलब औरत दुनिया में कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। तो तुम वो करके दिखाओ जो मैंने अभी किया। औरत ये भी कर सकती है, और मैं जहाँ पर पली बड़ी हूँ ना, वहाँ की औरतों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम ये जो बार बार औरतों को उकसा कर, उसे नंगा करके, उसके जिस्म से जो आंखें सेकना चाहते हो ना, तो देखो। क्यों शर्मा गई? प्लीज रोहित, तुम जानते हो औरत क्या नहीं कर सकती? वो मर्द की तरह अपनी जरूरत के लिए अपने भाई बेटे या पति को बेच नहीं सकती। वो अपनी खुशी के लिए अपने पति को जिंदा जला नहीं सकती। मगर औरत आदमी का कभी रेप नहीं करती, और मर्द की तरह किसी को अपमान करने के लिए सरेआम नंगा नहीं होती। अगर अब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मर्द औरत से ज्यादा महान है, तो औरत की तरह अपनी कोख में 9 महीने किसी जीव को पाल कर दिखाओ। औरत के जिन मांस के टुकड़ों के लिए तुम कुछ भी गुनाह कर सकते हो, उसी मांस में बहने वाले खून को दूध बनाकर किसी मासूम को जिंदगी देकर दिखाओ। क्या कर सकता है कोई मर्द ऐसा? कर सकता है? पूजा, मैं जानता हूं तुम्हें यह तमाचा जिंदगी भर याद रहेगा, और मैं ये भी चाहता हूं कि जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं इस तमाचे की तरह तुम्हें याद रहे। भले ही तुम इस मिट्टी की नहीं, मगर इसकी संस्कृति, इसकी परंपरा और इसके धर्म से अनजान नहीं। यह गलत है। कनाडा की नदियों का पानी गंगा जल की याद तो दिला सकता है, मगर गंगा जल नहीं बन सकता। एक हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत, उसकी हया, उसके लिए दुनिया में सबसे अनमोल चीज है, जिसके लिए वो हर तकलीफ सह सकती है, अपनी जान तक दे सकती है। फिर वो ऐसी हरकत क्यों कर सकती है जो तुमने की है? तुम्हारी इस हरकत ने साबित कर दिया कि तुम हिंदुस्तानी ही नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। अरे सुरभि, कहाँ खो गई यार? तेरी हॉट ड्रिंक बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक बन गई। कल पूजा ने जो किया उसका रिएक्शन सही था या गलत, यही सोच रही हूँ। तू क्या सोचता कलाकार? मैं भी रात भर यही सोचता रहा, शायद वो गलत नहीं थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या खाक ठीक लगता है तुमको यार? हद करते हो तुम लोग। कौन कहता है कि पूजा का रिएक्शन सही था? वो खुद को हमसे बड़ा हिंदुस्तानी कहती है, यूं सरेआम नंगा होकर हम सबको नीचा दिखाना चाहती थी। रोहित ने उसको आखिर में जो थप्पड़ मारा है ना, बिल्कुल सही किया उसने, बिल्कुल सही किया है रोहित ने। तुम? मैं वो कल जो हुआ उसके लिए माफी मांगने आई हूँ। माफ करने वाला या ना करने वाला मैं कौन हूँ? मेरे दोस्त। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। किसने बनाया तुम्हें मेरा दोस्त? मेरे दिल ने। धोखा दे रहा हो तुम्हें? तुम तो मत दो, अपना लो मुझे। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सोच कर देखो, जिसको दोस्त बनाने से पहले इतना सोचना पड़े, उसमें कहीं कुछ तो ऐसी बात होगी। क्या बात है? हैसियत का फर्क, तुम कहां और मैं कहां। दोस्ती सिर्फ बराबर वालों में अच्छी होती है। ये फर्क मिट जाएगा, मुझे बीच राह में छोड़कर मत जाओ रोहित। मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, मुझे अपना लो। तुम हद से आगे बढ़ रही हो। बढ़ जाने दो रोहित। नहीं, क्योंकि जो इंसान हद से आगे बढ़ता है बाद में वो बेहद तकलीफ से गुजरता है। मैं तुम्हारे लिए हर तकलीफ सहने को तैयार हूँ। लेकिन मैं देने को तैयार नहीं। पर क्यों? क्योंकि लेन देन सिर्फ बराबर वालों में अच्छा होता है, और तुम्हारी और मेरी कोई बराबरी नहीं।
और ना ही कभी हो सकती है। सॉरी। अरे तुम? चलो। ये क्या बदतमीजी? आखिर तुम चाहती क्या हो? फ्रेंडशिप। ये नहीं हो सकता। तो फिर अपनी मोहब्बत दे दो मुझे। तुम्हें मेरी दोस्ती नसीब तो हुई नहीं, मेरी मोहब्बत पाने का ख्वाब देख रही हो तुम। तुम्हारी ये फीलिंग एक तरफा है पूजा। तो इसे दो तरफा कर दो रोहित। मैं इसे जरूरी नहीं समझता। मेरे लिए जरूरी है। अगर तुमने मेरी जिंदगी को बदला है तो सहारा भी तुम ही दोगे। प्लीज रोहित। ठीक है, मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हर दोस्ती की एक सीमा होती है और जो अच्छे दोस्त होते हैं वो सीमा को पार नहीं करते। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। पूजा सीमा में बनने वालों में से नहीं है रोहित। आज तुमने उससे दोस्ती की है, कल मोहब्बत भी करोगे। बकवास, सब बकवास। अभी तक तू पूजा के दिल में अपने लिए कोई जगह नहीं बना सका। ऊपर से उस एक्सीडेंट की खबर मुझे ना देकर तूने मेरी पोजीशन को और ऑकवर्ड कर दिया है। अरे डैड, उस वक्त आप फॉरेन में थे, मैं आपको फोन करने ही वाला था कि पूजा ने मुझे मना कर दिया। अरे उल्लू के पट्टे, हमारी दिखावे की परेशानी ही उसे हमारी सच्ची मोहब्बत का एहसास दिलवाती है। बेवकूफ, तुम्हें मुझे उसके एक्सीडेंट की खबर करनी चाहिए थी। अच्छा खासा मौका तुमने हाथ से जाने दिया। डोंट वरी डैड, एक और मौका आ रहा ना हाथ में, कल मैं पूजा के दिल में अपनी प्यार की बीन बजाऊंगा। अच्छा, कल ऐसी कौन सी खास बात है? कल रोज डे है डैड, और रोज डे वो भला है जो एक गुलाब के फूल में मोहब्बत का पैगाम लाता है, और कल मैं पूजा को एक लाल गुलाब पेश करूंगा। हमारी फ्रेंडशिप के नाम। थैंक्स। एक मिनट रोहित। ये किस लिए? मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। पूजा, मैंने तुमसे कहा था कि दोस्ती की एक सीमा होती है। मुझे याद है, मैं उस सीमा को नहीं तोड़ रही हूँ। मैं तो दोस्ती के बाद की जो सीढ़ी होती है उससे चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। इसे कबूल कर लो रोहित। दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश की तो इस फूल की जगह तू होगी। चलो सिमरन। और हाँ, तेरे फायदे के लिए तुझे एक और बात बता दूं मैडम फिरंगन, ये हिंदुस्तान है और तू नहीं जानती कि यहाँ की सच्ची मोहब्बत कैसी होती है और उसका अंदाज क्या होता है, समझी? चलो। सिमरन, आज तू ही नहीं सारा कॉलेज देखेगा कि पूजा के प्यार का अंदाज क्या होता है। पूजा, 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 पूजा। देख, देख, देख। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? बाहर। दिमाग खराब है तुम्हारा? What happened, पूजा? Excuse me, ma'am. तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? हाँ। ए फिरंगन, चुपचाप अपनी सीट पर जाके बैठ जा वरना। You just shut up and keep your mouth shut. हाँ? तुम मेरे साथ बाहर चलते हो वरना। वरना? वरना क्या? पूजा। You go out.
छोड़ उसे, हाथ हटा कंधे से। सुनाई कम देता क्या हरामजादे? हाथ हटा उसके कंधे से। प्रेम, ज़बान संभाल कर बात करो। ये अपनी औकात भूल गया है क्या? जो सारे हम तुम्हारी बाहों में बाहें डाल के घूम रहा है। जब तक किसी की मर्जी ना हो, कोई किसी को बाहों में नहीं भर सकता। ओ, यानी इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। लेकिन तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया हमारी इज्जत का, जो इस 2% के आदमी के साथ बाहों में बाहें डाल के घूम रही हो। मेरे इस तरह घूमने से तुम्हारी इज्जत में क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। What? हाँ, हमारे डैड बहुत जल्द हमारी शादी करने वाले हैं। What nonsense? It is sense. इसलिए अगर आज के बाद तुम मुझे इस 2 कौड़ी के आदमी के साथ दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ चलो। ये उल्टे हाथ का था तुम्हें समझाने के लिए। मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। आइंदा मेरी जिंदगी में दखल मत देना। यू लड़े? अब तक मैं खामोश था क्योंकि ये फैसला पूजा को करना था और ये फैसला कर चुकी है। दोबारा इस पर हाथ उठाया
तो तेरे हाथ तोड़कर रख दूंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू शराफत से यहाँ से निकल जा। शराफत से? तुम इसे शराफत की बात कर रहे हो? कभी मुए मवालियों ने भी शराफत की भाषा समझी है? जो समझेगा। बीच के हाय राम, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुए के तेवर तो देखो, लगता है ये जूता खाए बिना जाएगा नहीं। जब दुश्मन का पलड़ा भारी हो जाए ना तो कुत्ते भौंका नहीं करते, चुपचाप अपने पिछवाड़े में दुम दबाकर निकल लेते हैं। चल बे निकल चप्पू, निकल। बीच के, तूने काले नाक की दुम पर पैर रखा है। तू कल का सूरज नहीं देखेगा, कल का सूरज नहीं देखेगा तू। चल बे निकल चप्पू, कल का सूरज नहीं देखेगा तू। अरे जा जा। हाँ रोहित, मैंने तुम्हें ऊपर से आते हुए देख लिया था। रोहित, क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? अब मेरा मतलब अपने सिमरन के बारे में। क्या मतलब? जब वो पूजा तुम्हारी बाहों में आती है तो उसे कुछ नहीं कहते हो, तो फिर मुझे मुझे क्यों अपने आप से दूर कर रहे हो रोहित? रोहित, तुम सिर्फ मेरे हो। अगर पूजा हमारे बीच में आई तो उसे उसे हमारे प्यार के बीच में से हटना होगा। Enjoy यार, जो हुआ उसे भूल जाओ। ओके, तुम जाओ, मैं तैयारी करती हूँ। ओके, ओके। Excuse me, वलाज please. कुछ नहीं, बस जन्मदिन की तैयारी कर रही हूँ। Wow, that's great. Six flash, please. Yes, ma'am. Six नहीं, seven. Okay, sir. पूजा भी साथ में है ना? अब भी वक्त है पूजा, मान जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत डैड से कर दूंगा। What? मेरा छोटा सा बाबा, डैडी से शिकायत करेगा, डैडी से शिकायत करेगा। जा। कर देना।
कहना क्या चाहते हैं? कि मैंने निकी का खून किया है? जमाना बड़ा बुरा है प्रेम, इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिसे तुम दिन में धमकी दो कि वो कल का सूरज नहीं देखेगा और ऐसा ही हो जाए। यदि तुमने किसी क्रोध अथवा बदले की भावना में विलीन होकर ऐसा कार्य किया है तो तुम्हारे लिए यह अपराध स्वीकार कर लेना ही उचित है। सर, मैंने सिर्फ मिकी को गुस्से में आकर धमकी दी थी, मैंने मिकी का कत्ल नहीं किया है। ये सब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये सब लोग मुझसे जलते हैं। क्यों, तुमसे ही क्यों जलते हैं? इसका कारण है पूजा। पूजा से मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी होने वाली बीवी है, लेकिन रोहित ने इसे अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया है और ये सब उसके दोस्त हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेम, पूजा और रोहित, एक लव ट्रायंगल, और मोहब्बत में सब जायज है। क्यों सर रोहित? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, लोग ऐसा कहते जरूर हैं पर मेरी नजर में जो इंसान जिंदगी से मोहब्बत नहीं करता उसे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं, क्योंकि इंसान खुद मोहब्बत की ही निशानी होता है। ऑफिसर, मैं रोहित से प्यार करती हूँ। प्रेम के डैडी मेरे बिजनेस और मेरी प्रॉपर्टी के केयरटेकर हैं। मैं नहीं जानती उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी होगा कि मेरी और प्रेम की शादी हो, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी ये बात का जिक्र भी नहीं किया। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग भी जाइए जाइए। मिस्टर प्रेम, आप नहीं। महाशय, और भी प्रश्न पूछना शेष रह गया? जी हाँ, अब क्या बाकी है? हाँ इंस्पेक्टर, मुझे जो कुछ पता था मैं आपको बता चुका हूं। अरे रोहित, सिमरन चलो चलो ना। क्या बात है सिमरन? रोहित रोहित, तुम पूजा से दूर हो प्लीज। क्या रोहित, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम देख रहे हो ना कि उसके चक्कर में क्या हो गया। उसकी वजह से क्या हो गया? शक के दायरे में तुम भी आ गए हो रोहित। रोहित, भलाई इसी में है कि तुम उस पूजा को भूल जाओ, दूर हो जाओ उससे, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे लायक तो सिर्फ मैं हूँ। ओह शट अप! आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं ऑफिसर? जब सब लोग वहीं पर थे तब मैं वहां से जा चुका था। कहाँ गए थे? ये मेरा प्राइवेट मामला है। खून के केस में बड़े बड़ों के प्राइवेट मैटर्स को भी पब्लिक मैटर बनाना पड़ता है। बताओ कहाँ गए थे? मैं एक लड़की के साथ होटल चला गया था। कौन सा होटल? रिट्ज। किसके साथ? लीना के साथ। कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता। उस होटल में उसकी जैसी 636 मिलती हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ रोहित, मैं उनमें से नहीं हूँ रोहित जो तुमको भूल सके। फिर मुझे हमेशा तुम्हारे साथ हमदर्दी रहेगी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए रोहित। रोहित, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए रोहित। वो जिसकी तकदीर में था उसे मिल गया। मैं नहीं मानती तकदीर को। बदल देंगे तकदीर को, तदबीर को मानने वाले। बहा देंगे दरियाए खून भी मोहब्बत पर मरने वाले। जिस आदमी ने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद कर दी, तुम उसी की इकलौती औलाद को फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहती हो? तुम्हारे कर्म ही तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएंगे। मेरी मंजिल फांसी का तख्ता नहीं पूजा, तुम हो, तुम। मेरी मंजिल तुम जैसे अय्याश आदमी का महल नहीं बल्कि एक शरीफ इंसान का घर है। हेलो मैम, अगर तुम्हारा वो शरीफ इंसान मेरी मंजिल के रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। उसे भी? मतलब मिकी की तरह उसे भी, है ना? हाँ, मिकी की तरह तुम्हारा वो शरीफ इंसान भी जान से जाएगा। यानी तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? मैं अभी जाके पुलिस को बताती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम यहाँ से जाओगी तो मेरे डैड के पास। नहीं, ओए, ए, छोड़ से। रोहित! अरे अरे, इसे क्या हो गया? अरे क्या क्या हुआ? रोहित! कमाल यार, क्या हो गया इसको? रोहित, देख यार। रोहित! कातिल कॉलेज का हो या बाहर का, मुझे कातिल चाहिए इंस्पेक्टर साहब। अगर मेरे इकलौते बेटे का कातिल पकड़ा नहीं गया तो आप नहीं जानते मैं क्या कर दूंगा।
मैं आग लगा दूंगा, सारी दुनिया को आग लगा दूंगा मैं। जमाना बड़ा बुरा है मिस्टर कुमार, फिर भी हम आपसे वादा करते हैं कि आपके बेटे का कातिल जल्दी ही पकड़ा जाएगा, बस हमें थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, किसी किस्म की मदद की जरूरत होगी आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल, लेकिन कातिल का पता जल्द से जल्द लगना चाहिए। कुमार साहब हम पे भरोसा रखिए प्लीज। ओके, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग शक्ति। सर मिकी और प्रेम दोनों की पोस्टमार्टम और पिन की रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपका शक बिल्कुल सही था, दोनों ही खून पिन से हुए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि पिन साइनाइड में डूबी हुई थी। सर मेरे ख्याल से कातिल रोहित है। इस ख्याल की वजह? प्रेम पूजा से प्यार करता था और पूजा रोहित से। रोहित एक निहायत ही गरीब और अनाथ लड़का है और पूजा बेहद खूबसूरत और बे इंतहा पैसे वाली लड़की। किन्हीं भी हालात में अगर पूजा रोहित के हाथ से निकल जाती तो रोहित न सिर्फ अपनी मोहब्बत से हाथ धो बैठता बल्कि पूजा के पैसों से भी हाथ धो बैठता। इसलिए रोहित ने प्रेम को अपने रास्ते से हटाकर वो खतरा ही दूर कर दिया। कातिल के कत्ल करने का तरीका एक है, इससे यह साबित होता है कि दोनों ही केसेस में कातिल एक है। यानी अगर रोहित ने प्रेम को मारा है तो मिकी को भी उसी ने मारा होगा। यस सर। क्यों, उसे क्यों मारा होगा? उसे हो सकता है मिकी रोहित का राज जान गया हो। आपकी बातों में पॉसिबिलिटीज तो है सिंह, लेकिन पता नहीं क्यों बात पूरी तरह से हलक से उतर नहीं रही है। हाँ एक बात समझ में आ रही है कि मिकी का कत्ल भले ही कॉलेज के बाहर हुआ है लेकिन उसके कत्ल की जड़ें कॉलेज के अंदर ही हैं। हत्यारा हमारे महाविद्यालय का ही है, आपके इस निष्कर्ष का धरातल क्या है? किसका क्या है? आप भी जी सरल हिंदी में पूछता हूं, आपकी इस सोच का कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि दोनों स्टूडेंट जो हैं आपके कॉलेज के थे जी। दूसरा ये कि दोनों ही कत्लों के आसपास वही 6-8 लड़के लड़कियों का ग्रुप था। और तीसरा ये कि जो पढ़ाई ये लोग कर रहे हैं उसमें साइनाइड का मिलना आसान होता है। हाँ तो मिस पूजा आप हमें बताइए कि आपके और प्रेम के संबंध कैसे थे? नॉर्मल। लेकिन हमें पता चला है कि जब प्रेम ने मिकी को धमकी दी थी उसके पहले आपने उसको थप्पड़ मारा था। क्योंकि उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। ओके। लेकिन आप उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? ऑफिसर जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये उससे शादी कैसे कर सकती है? जमाना बड़ा बुरा है, दोबारा बीच में बोलने की गलती नहीं करना। हाँ तुम इस पूजा। ऑफिसर प्रेम के डैडी ने मुझे बचपन से पाला है और मेरी सारी प्रॉपर्टी के वो केयरटेकर भी हैं, इसीलिए शायद प्रेम को ये गलतफहमी होगी कि मैं उससे शादी कर लूंगी, मगर उस जैसे बदतमीज लड़के के साथ शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। आप जानते हैं मरने से ठीक पहले उसने मेरा सिर टेबल पर कितनी जोर से पटका था? मरने से ठीक पहले मतलब? मतलब जैसे ही उसने मेरा सिर पटका और उसे पिन लगी। यानी पिन गले में लगी, इसका मतलब यह है कि पिन सामने से आई होगी। पूजा को उसने यूं पटका होगा, इसका मतलब है कि पीछे से। उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? उस टेबल पर। यहाँ पे? इस टेबल पे? यहाँ पे? जी। आइए जरा इधर आइए। यहाँ पे आपको उसने यूं पटका होगा, यूं जी, और आपके पीछे से आई पिन उसको लगी। हाँ। इसका मतलब ये है कि उस वक्त आपके पीछे कौन था? मेरे पीछे वो उस वक्त तो याद करो कौन था। ये था? नहीं नहीं सर मैं नहीं था। ये तुम नहीं थे? नहीं सर। रोहित और सिमरन तुम कहाँ थे उस वक्त? सिमरन को मुझसे कोई बात करनी थी इसलिए उसने मुझे बाहर ही कॉरिडोर में रोक लिया और जैसे ही मुझे शोर सुनाई दिया मैं अंदर आ गया। यानी उस वक्त तुम बाहर थे, रोहित बाहर था, सिमरन बाहर थी, पिन पीछे से, पीछे उस वक्त कोई नहीं था, फिर पिन पीछे से कैसे? डिस्को में जब मिकी का कत्ल हुआ उस वक्त तुम्हारी और मिकी क्या पोजीशन थी? हम लोग डांस कर रहे थे। जब मिकी को पिन लगी उस वक्त तुम्हारी और मिकी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या थी? याद करके बताओ। हाँ डिस्को में तुम्हारे सामने और मिकी के पीछे क्या एरिया था?
एरिया बार काउंटर। बार काउंटर। अच्छा जब मिकी को पिन लगी तुम सब लोग उस वक्त डांस फ्लोर पे ही थे? हाँ हम सब वहाँ थे पर रोहित वहाँ नहीं था। तुम कहाँ थे? जी मैं ये बार पे था। मेरे ख्याल में मेरा ही शक सही निकलेगा सर, क्योंकि सारे सबूत और गवाह रोहित के खिलाफ जा रहे हैं। जमाना बड़ा बुरा है शक्ति सिंह, गवाह और सबूत उसके खिलाफ जरूर है लेकिन हालात उसके खिलाफ नहीं। क्या मतलब? अकॉर्डिंग टू यू रोहित पूजा से प्यार उसकी दौलत के लिए करता है इसलिए वो खून करेगा, राइट? राइट सर। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि जो लोग मरे निशाने पर वो नहीं थे। वो तो जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, वो लोग पिस गए। मैं आपका मतलब समझा नहीं। मतलब ये कि शायद कातिल का निशाना पूजा है। पूजा? हाँ, दोनों ही बार जैसे ही पूजा अपनी पोजीशन से हटी कोई दूसरा मरा, यानी जो मरे वो निशाने पर नहीं थे। लेकिन सर पूजा तो इस शहर में नई नई है, उसे भला कौन मारेगा? वही जिसे पूजा की मौत से फायदा होगा। नहीं! पूजा इस बार तो तू बच गई, लेकिन अगली बार। क्या बात है जनाब, आजकल आप बड़े खोए खोए से रहते हैं। कुछ नहीं। बताओ ना प्लीज। पुलिस के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझ पर शक करने लगे हैं, जैसे मैंने ही अपने दोस्तों का कत्ल किया है। लेकिन तुम? दुनिया कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ मेरा रोहित कभी किसी की जान नहीं ले सकता। वो जिसकी आंखों में हमेशा प्यार झलकता हो और अपने सपनों में हमेशा पूजा लिए रहे। बदल गए
तुझे मेरी जान इतना हम प्यार करते हैं, कहीं बिछड़ ना जाए ये सोच के डरते ने मुझे बुलाया था सिमरन। हाँ रोहित, बुलाया तो था लेकिन मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था। सिमरन, पूजा हम में से एक है, तुम्हें जो बोलना जल्दी बोलो, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। लगता है तुम्हारे पास तो तुम्हारे दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं है। फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, जाओ तुम, जब वक्त होगा तब आना, लेकिन जब भी आना अकेले आना। लेट्स गो। रोहित, आई वांट टू स्विम। स्विमिंग और इस समय? नहीं यार, मुझे वैसे ही बाहर जाना है। वैसे भी तुम बाहर जा रहे हो, जब तक वापस आओगे तब तक थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसा? चलो ठीक है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ओके, बाय। सिमरन, इसे पुलिस के हवाले कर दो। सिमरन, प्रेम त्रिकोण का चौथा कोण। हम लोग रोहित पे शक करके बेकार में अपना वक्त जाया करते रहे, जबकि असली वजह तो इस सिमरन के पास है। और एक बात पता चली है सर, कि सिमरन की नफरत एक आफत है, वो कभी किसी को माफ करना नहीं जानती। यानी मेरा अंदाजा सही साबित होता जा रहा है कि कातिल का असली टारगेट पूजा है। वैसे रोहित और पूजा ने सिमरन को माफ क्यों किया? माफ नहीं किया है सर, दरअसल सबने सिमरन से नाता ही तोड़ लिया है। हेलो, मैं प्रधान आचार्य। हाँ प्रिंसिपल साहब। कठिन समस्या है, अतिशीघ्र आ जाइए। हाँ मैं आता हूँ। श्रीमान, ये मेरे सिद्धांत के। हेलो प्रिंसिपल साहब। नमस्कार दरोगा महाशय, देखिए अब आप ही इन्हें समझाइए। हेलो ऑफिसर। हेलो कुमार साहब। श्रीमान, मेरी व्याकुलता का कारण यह है कि कुमार महाशय पूजा को घर वापस ले जाना चाहते हैं, जबकि आपकी आज्ञा है कि कोई भी छात्र या छात्रा छात्रावास से बाहर ना जाए। इन्होंने खामखा आपको तकलीफ दी है, मैं पूजा को अपने साथ लेकर जाऊंगा अभी और इसी वक्त। पूजा को आप इस तरह यहां से नहीं ले जा सकते मिस्टर कुमार। क्या अपने इकलौते बेटे की तरह इसकी लाश को भी यहां से ले जाना होगा? अपने बेटे की मौत को तो मैं अपने सीने में पत्थर रखकर चल रहा हूं, लेकिन अगर पूजा को कुछ हो गया ना तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। चलो बेटी, सामान लेकर आओ। ये पुलिस का ऑर्डर है मिस्टर कुमार। जानता हूं पुलिस का और उसकी औकात को भी। मैंने दूसरों की लाश पर पुलिस को रोटी सेकते हुए देखा है। मैंने भी गद्दारों को आपकी तरह वफादारी का ड्रामा करते हुए देखा है मिस्टर कुमार। ऑफिसर, मेरी छानबीन का नतीजा ये निकला है मिस्टर कुमार कि अब तक जो भी कत्ल हुए हैं उसमें कातिल का टारगेट हमेशा पूजा थी। मिकी और प्रेम तो बेचारे बदकिस्मत निकले जो पूजा के सामने आ गए। मिस्टर कुमार, पूजा की मौत का सिर्फ एक आदमी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और वो है आप मिस्टर कुमार, आप। आप कितने समझदार हैं, अब मुझे समझ में आ गया है। ऑफिसर,
आपको इल्जाम लगाने से पहले इतना तो सोचना चाहिए था। अगर इनको मेरी दौलत ही चाहिए थी तो ये मुझे बचपन में ही मार सकते थे। और जो इल्जाम आपने मुझ पर लगाया है ऑफिसर, यू विल हैव टू पे बिग प्राइस फॉर द सेम। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। आई विल सी यू अंकल। क्या बेटी, तुम भी मुझे ऐसा समझती हो? नहीं अंकल, ऑफिसर क्या, सारी दुनिया ये बात कहे तो भी मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि आप मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। लेकिन अंकल, अगर ऑफिसर के दिमाग में ये बात है तो यही अच्छा है कि मैं यहाँ रहूँ, क्योंकि अगर कातिल ने मुझे घर पर मार दिया तो उनका शक और भी गहरा हो जाएगा, और हो सकता है कि कातिल इस बात का फायदा उठाकर बच जाए। बेटी, मैं तुम्हें यहाँ कैसे, कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा यहाँ? रोहित है ना? रोहित? हाँ अंकल, वही लड़का जिसने मेरी एक्सीडेंट में जान बचाई थी, अभी जो यहाँ कॉरिडोर में खड़ा था। रोहित, रोहित, रोहित अंकल, ये रोहित है। रोहित, ये कुमार अंकल, प्रेम के डैडी। नमस्कार अंकल। जीते रहो बेटा। बेटा, पूजा का ख्याल रखना। आप चिंता मत करिए अंकल, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता इस पूरे कॉलेज पर मेरी नजर रहेगी। थैंक यू। ओके बेटी। ओके। बाय अंकल। रोहित, यार ये किधर गया? ब्लाइंड। मैं अभी आया। जी हाँ, कहिए। तुम्हें गिनती कितनी आती है? क्या मतलब? इतने ना समझ नहीं हो तुम? शायद गिनती के मामले में कभी नहीं। जितनी गिनती तुम्हें आती है उससे कहीं ज्यादा पूजा की दौलत है। हाँ, सुना मैंने, कुछ ऐसा ही है। इसलिए तुमने उसे फांसा है ना? एक्सक्यूज मी, तुम जैसों की नस्ल को अच्छी तरह से पहचानता हूं मैं। बोलो, पूजा की जिंदगी से निकलने का क्या लोगे? 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, बोलो। 50%। क्या आप पूजा की दौलत के भूखे हैं और उसे हड़प करना चाहते हैं, लेकिन बड़े ही शरीफाना अंदाज में अपने नालायक बेटे की शादी पूजा से करके, लेकिन उसके पहले ही अच्छा, इसका मतलब है कि पुलिस का शक ठीक निकला। मेरे बेटे को मारकर तुमने अपने रास्ते का कांटा निकाल दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। होल्ड इट, ऐसी गलती करने की बेवकूफी मत करना कुमार साहब। आप पुलिस के शक के दायरे में हैं, और पुलिस यह भी जानती है कि मैं और पूजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मेरी मौत का सीधे सीधे फायदा आपको पहुंचेगा, और यही बात आपके खिलाफ पुलिस के शक को यकीन में बदल देगी। समझदार इंसान है आप, समझदारी से काम लीजिए। इन पेपर्स पर पूजा के दस्तखत लाकर मुझे दो। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि वो अपनी खुशी से अपनी तमाम जायदाद और दौलत मेरे नाम कर रही है। साइन लाकर आपको देने के बाद
मैं क्या करूं, मंदिर की घंटियां बजाऊं? इसके लिए तुम्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। 50 करोड़? क्या 50 करोड़? सौदा मंजूर हो तो बोलो, वरना जो जी में आए सो करो। ठहरो, सुनो, ये लो, काम हो जाने के बाद 50 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। ओके। हाँ, लेकिन काम एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो ये है तेरा असली रूप मां, खूनी धोखेबाज। मैं तेरी ये असलियत सबको बता दूंगा। रोहित, तू ये सब नहीं कर सकता। रोहित प्लीज, रोहित रोहित नहीं 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 रोहित नहीं, रोहित मौत से तेज तो कोई नहीं भाग सकता। कमरे में ही थी। श्योर? या हाँ हाँ, रात को नंदिता भी तो थी हमारे साथ कमरे में। अच्छा, तुम लोग एक बात बताओ, क्या तुम किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हो जो कल रात अपने कमरे में नहीं था? नहीं नहीं ऑफिसर, कल हम सब लोग अपने अपने कमरों में थे। हाँ, हम सब अपने कमरे में थे। और आप कहाँ थी? मैं भी अपने कमरे में थी ऑफिसर। सिंह? यस सर। कम ऑन। कल रात तो अपने कमरे में नहीं थी, कितने क्या थी? मैं लॉन में चले गया था और ये नींद में बाहर जाने लगा, तो मैंने सोचा देखूं ये करता क्या है। देख, तू तो अपनी आदत बदल ले, मैं वरना शादी के बाद तेरी बीबी छोड़ के चली जाएगी तुझे। चले चलो, लेट्स गो लेट्स गो। हो सकता है वो सच बोल रहा हो। तो फिर कल रात वो खिड़की से अंदर क्यों आया था? एक्सक्यूज मी सर, अब आप क्या कहते हैं? कातिल की तकदीर बुलंद है, वो नजरों के सामने तो है लेकिन नजर नहीं आ रहा। कौन है बुरचौद? कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? दुनिया के सामने कुछ और अकेले में कुछ और। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता मुझसे ये बर्दाश्त। सिमरन, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। लेकिन एक बात याद रखो, जिंदगी मोहब्बत से नहीं दौलत से जी जाती है। लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। पागल मत बनो सिमरन, पागल मत बनो। दौलत पाने का मेरा ख्वाब अब मैं हकीकत बनते देख रहा हूं। पूजा की मैं कमजोरी बन चुका हूं और उसकी दौलत मेरी कमजोरी, और उसे हासिल करने के लिए मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। औरत जलन की पुड़िया होती है रोहित, वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने मर्द को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती।
जब भी मैं पूजा को तुम्हारे साथ देखती हूँ तो मुझे मुझे जलन होती है। वो इस बार तो बच गई, लेकिन अगली बार वो हरगिज नहीं बचेगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सिमरन, जब तक मैं सिर्फ कुछ पेपर्स पर साइन नहीं करवा लेता। उसके बाद क्या रोहित, क्या सारी जिंदगी में तुम्हारा प्यार पाने के लिए अंधेरों का सहारा लेती रहूंगी? ये मुझसे नहीं होगा रोहित, ये मुझसे नहीं होगा। इंस्पेक्टर सिन्हा हियर, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स के कातिल का नाम जानना चाहोगे? उसके पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। शायद आपको आम खाने से ज्यादा पेड़ गिनने का शौक है। गुड बाय। एक मिनट। हाँ, नाम बताओ उसका। उसका नाम है
रोहित। रोहित? दरोगा महोदय, आप इस वक्त रोहित कहाँ होगा? जी या तो अपनी कक्षा में या प्रयोगशाला में। मुझे इस कमरे की तलाशी लेनी है। देखिए महाशय, इस वक्त जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए। सर ये देखिए, ढूंढो कुछ और भी मिलेगा। ओके सर। ये देखिए प्रिंसिपल साहब, विश्वास नहीं हो रहा है महाशय। जमाना बड़ा बुरा है और उससे बुरी है दौलत। सिंह। यस सर। इंफॉर्मेशन सही थी तो आज ही उठा ले रोहित को। नहीं प्रिंसिपल साहब जी, उसको इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि हमें उसकी असलियत मालूम हो चुकी है। कदापि नहीं। पूजा, पूजा, अरे सुनो तो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आखिर तुम मकान मेरे नाम पर क्यों खरीदना चाहते हो? मैं जिंदगी में इस ख्याल के साथ जीना नहीं चाहता कि मैं अपनी पत्नी को एक छत भी न दे सकूं। मैं आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता हूं। और अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो तो तुम इन पेपर्स पर साइन करने से इनकार नहीं करोगी। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारे सपने अब मेरी जिंदगी है। लाओ, कहां करने हैं साइन? और यहां पे भी। आप? जी हाँ मैं। जमाना बड़ा बुरा है, अब देखिए ना, आप जैसे प्रेमियों की रास लीला भी पुलिस वालों को रास नहीं आई। अभी आपने किन पेपर्स में साइन किए हैं? रोहित मेरे नाम पर मकान लेना चाहता है सर। एक अनाथ, एक लावारिस, जिसकी औकात एक ईंट खरीदने की नहीं है, आपको पूरा मकान खरीद देगा। इस जालसाज ने धोखे से आपकी सारी जायदाद अपने नाम पे करवा ली है। What? क्या बकवास कर रहे हैं आप? झूठ बोलने का प्रयास मत करो रोहित, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। सर आप भी? सर आपको गलत फहमी हो रही है, ये मकान के पेपर्स हैं। पूजा, इसकी सच्चाई को तुम अपनी आंखों से देखो। यानी यही है तुम्हारी असलियत? नहीं पूजा, ये झूठ है, ये किसी की चाल है। मैं जानता हूँ तुम्हारी चाल को, तुम्हारा लालच ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है और पूजा से प्यार का नाटक उसी लालच की एक कड़ी है। ये झूठ है। ये सच है। और ये भी सच है कि अब तक जितने भी खून हुए हैं वो सारे खून तुमने किए हैं। ये भी झूठ है। मैं भला अपने दोस्तों क्यों मारूंगा? तो क्या ये भी झूठ है कि लड्डू की कत्ल वाली रात तुम अपने हॉस्टल रूम में नहीं थे? हाँ ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। उस रात तुम्हें सुखी ने खिड़की से कमरे में आते देखा था। जमाना बड़ा बुरा है रोहित। इतना बुरा भी नहीं है महोदय कि पुलिस हत्यारे को पहचान ना सके। और तुम्हारे कमरे की तलाशी में तुम्हारे कातिल होने कई सबूत मिले हैं। शक्ति सिंह। यस सर। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए आप। अब तुम्हें जो भी कहना है अदालत में कहना। इंस्पेक्टर साहब आप समझते क्यों नहीं, मेरी बात सुनिए आप। हर कातिल पकड़े जाने के बाद इसी तरह चिल्लाता है। लगाओ। रोहित रुक जाओ। नहीं सिंह, हमें जिंदा चाहिए। रुक जाओ।
मत जाओ पूजा, प्लीज। यह रही तो उसे भूल नहीं पाऊंगी, अगर जिंदा रही तो जिंदगी का मतलब ही भूल जाऊंगी। प्लीज पूजा, बस मुझे जाने दो, मैं कल सुबह ही हमेशा के लिए कनाडा जा रही हूँ। हेलो, मैं रोहित। हेलो रोहित, रोहित कहाँ हो तुम? मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। शहर के बाहर काली गुफा में। ओके, मैं अभी पहुँचती हूँ। रोहित, रोहित तुम ठीक तो हो ना? जब से मुझे पता चला है कि पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, मेरी तो सांस थमी हुई है। सब ठीक तो है ना? पूजा हॉस्टल में नहीं? नहीं रोहित, वो भी अभी हॉस्टल छोड़कर अपने पुराने घर पर गई है, और कल सुबह वो हमेशा हमेशा के लिए कनाडा जा रही है। कल सुबह? यानी सिर्फ मेरे पास आज की रात ही है? नहीं रोहित, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, जाने दो उसे, और हम भी ये शहर छोड़कर कल हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, और वहां अपना नया घर बसाएंगे। यहां से निकलेंगे कैसे, सिर्फ ये सोचो। मैंने सोच लिया है कि मैं अपने हमराजों को ठिकाने लगाऊंगा और उसके बाद आराम से निकल जाऊंगा। हमराजों को मतलब? जैसे तुम हो, जो ये जानती है कि मैंने मिकी, लड्डू और प्रेम को मारा है। क्या? हाँ सिमरन, उसके बाद पूजा को ठिकाने लगा के उसकी दौलत के साथ आराम से मैं जिंदगी गुजारूंगा। नहीं रोहित, प्लीज ऐसा मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा सिमरन, मैं मजबूर हूं, मैं कोई सबूत नहीं छोड़ता, इसलिए तुम्हें मरना होगा। नहीं रोहित, तुम्हें मरना होगा सिमरन। नहीं रोहित, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है सिमरन, प्लीज मेरी मोहब्बत पर कुर्बान हो जाओ, कुर्बान हो जाओ मेरी मोहब्बत पर। नहीं रोहित, नहीं रोहित। मैं वादा करता हूँ सिमरन, मैं तुम्हें मरने में तकलीफ नहीं होने दूंगा। कम ऑन सिमरन। किया था ना सिमरन, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा।
तकलीफ हो रही है ना? हाँ, रोहित। हाँ, आपने मुझे गोली मारी? क्या करता बरखुरदार, मजबूरी थी। जिस दौलत को पाने के लिए मैंने सारी जिंदगी गुजार दी और जिस दौलत के लिए मैंने अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ा दी, उस दौलत का इतना बड़ा हिस्सा मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? अंकल, आप भी? हाँ बेटी, अब हालात बदल चुके हैं। हाँ। मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाकर तुम्हारी सारी जायदाद, तुम्हारी सारी दौलत पर कब्जा करना चाहा, लेकिन ये कमबख्त रोहित बीच में आ गया। अब इस रिवॉल्वर से मैं इसकी जान लूंगा और इस रिवॉल्वर से तुम्हें गोली मारूंगा और पुलिस को बुलाकर यह बयान दूंगा कि इसने तुम पर गोली चलाई और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने इसे मार डाला। फिर क्या है, बगैर किसी कानूनी झंझट के ये सारी जायदाद, ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी, सिर्फ मेरी। ऑप्शन। जमाना बड़ा बुरा है, मुझे पता था कि रोहित आज रात पूजा को मारने की कोशिश जरूर करेगा और इसीलिए मैं इस बंगले पर नजर रखे हुआ था, मगर यहाँ तो आप भी। मैं? रिवॉल्वर प्लीज। हाँ हाँ, ये लीजिए ये लीजिए। मगर इंस्पेक्टर साहब, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, मैं तो इस खूनी से अपनी बेटी पूजा की जान बचा रहा था। झूठ बोलता है ये दोनों मिले हुए हैं। बेटी नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारी दौलत और तुम्हारी जान का दुश्मन यही कुमार है, इसने मुझे तुम्हारी दौलत का लालच दिया था और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और धोखे से मैंने उन पेपर्स पर साइन करवाए। प्लीज पूजा, प्लीज मुझे माफ कर दो पूजा, प्लीज। हरगिज नहीं, तुम जैसे खूनी को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ पेपर्स पे साइन करवाने का गुनाह किया है। खूनी तो यही कुमार है। ये झूठ बोलता है। मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का खून नहीं किया मैंने। जानती हूँ मैं, अगर ये सच्चा होता तो इस तरह साइनाइड के पेन से मारने की कोशिश मुझे कभी नहीं करता। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं तुम्हें साइनाइड पेन से ही मारूं, ये तुम्हारे अंकल का प्लान था ताकि पुलिस उसी सीरियल किलर को ढूंढे, यानी मुझे, और ये आसानी से बच जाए। मुझे प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पूजा, प्लीज। रोहित, ये घड़ियाली आंसू बंद करो, तुम इतने मासूम हो नहीं जितना कि बनने की कोशिश कर रहे हो, समझे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ऑफिसर, ये सिर्फ नाम का कॉलेज स्टूडेंट है, असल में ये एक नंबर का जवारी है, एक नंबर का मवाली है ये। पूजा, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये झूठ बोल रहा है तो बताओ, हॉस्टल में सबके सो जाने के बाद रात में तुम कहां जाते थे? जमाना बड़ा बुरा है रोहित, मैं झूठ और सच का फैसला अभी की देता हूं। शक्ति सिंह, चलो। सर, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? इसे कैसे भूल सकता हूं? शातिर पत्तेबाज तो है ही, खतरनाक भी बहुत है। जरा सी बात पर इसने मेरे ऊपर गोली चला दी थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी क्यों इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको पूरी तरह से यकीन हो गया ना, आप खामखा मुझ जैसे शरीफ आदमी पर शक कर रहे थे। तुम्हें अभी कुछ कहना बाकी है? हाँ, ये झूठ बोल रहा है, ये दोनों इस अंकल की साजिश के मोहरे हैं।
अब तुम्हें जो भी कहना है अदालत में कहना। हाँ, वही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। पूजा पूजा मिल गया, मिल गया, साक्षी मिल गया। चल 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 चल, चल। चिंता की कोई बात नहीं। साहब आप? हाँ, दरोगा महोदय आप यहाँ? मेरी छोड़िए, आप बताइए आप इस वक्त यहाँ कैसे? महानुभाव, ये इमरान भ्राता है सलाम। रोहित प्रत्येक रात्रि को इनकी कार्यशाला यानी कि गैराज में कार्य किया करता था। अरे मियाँ आगे बढ़िए और बताइए 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 दरोगा साहब। जी ऑफिसर, रोहित मोटरसाइकिल का A1 मैकेनिक है, इसलिए जब भी मेरे गैराज में कोई मुश्किल आती है मैं उसे इतला करता हूँ और वो रात को आकर काम करके चला जाता है। अगर ऐसी बात थी तो उसने ये बात छुपाई क्यों? रोहित का ऐसा मानना है कि उसके सारे दोस्त बड़े अच्छे खानदान के हैं और वो उसे गैराज में काम करता देखेंगे तो या तो उसका मजाक उड़ाएंगे या उस पर दया करेंगे। ये बात रोहित को कतई पसंद नहीं थी, वो बहुत खुददार लड़का है। एक खुददार इंसान और क्या कर सकता है, तुम ही बताओ पूजा। सत्य वचन, एक स्वाभिमानी मनुष्य का हनन तो हर प्रकार से होता रहता है। पूजा ये सारी साजिश तुम्हारे ही संकल्प की है, मेरा यकीन करो पूजा। प्लीज प्लीज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो पूजा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज विश्वास करो मुझ पर। झूठ बोल रहा है ये। झूठ बोल रहा है ये पूजा, एक नंबर का झूठा इंसान है। झूठा ही नहीं खूनी दरिंदा भी है, इसने बड़ी बेरहमी के साथ सिमरन का खून किया है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। कितना तड़प रही थी वो अपनी जान बचाने के लिए, सिमरन ने उसके सीने पे भी वार किया है, ये देखो। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मुझे यहाँ से निकल जाने दो इंस्पेक्टर। कौन है वहाँ? तुम्हारी मौत। ऑफिसर तुम्हारा जो भी आदमी बाहर उसे अंदर बुलाओ। मेरा आदमी कोई अंदर नहीं है। ऑफिसर चालाकी करने की कोशिश मत करो, अगर आप भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ खून की नदियां बहा दूंगा। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हुई रोहित, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ मौजूद सभी को अपनी असलियत बता दो और खुद को कानून के हवाले कर दो। नहीं नहीं, नहीं हो सकता। यही होगा अगर मेरे 3 गिनने तक इन सब को अपनी असलियत नहीं बताई तो। 1 2 रुक जाओ, गोली मत चलाना, वरना जिस कानून की तुम मदद करना चाहते हो उस कानून का काम अधूरा रह जाएगा। तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि तुम इसकी असलियत को जानते हो, इसलिए तुम एक बार सामने आ जाओ, उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि इसकी असलियत को छुपने कोई जगह नहीं मिलेगी। प्लीज सामने आ जाओ। ठीक है। कौन हो तुम? रोशनी में आओ। रोहित 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 नहीं, मैं रोहित हूँ, ये मेरा आम सिगर गाना है। आश्चर्य महोदय, दोनों के रूप 100% समान है, अब कैसे ज्ञात करेंगे कि रोहित कौन है? हाँ, तुम रोहित हो और ये राणा। जी हाँ मैं रोहित हूं। यानी तुम ये बात जानते थे कि राणा नाम का तुम्हारा ऐसा कोई हमशक्ल है जिसको देखकर कोई भी रोहित होने का धोखा खा सकता है? जवाब दो, क्या तुम ये जानते थे? नहीं। नहीं तो फिर तुमने इसे देखते ही इसका नाम कैसे जान लिया? जमाना बड़ा बुरा है, तुम दोनों में से किसी एक ने आज ही सिमरन का खून किया है, जिसकी चश्मदीद गवाह है ये सुरभि। अगर तुम निर्दोष रोहित हो और ये राणा,
तो तुम्हारे सीने पे घाव के निशान कैसे, इसके क्यों नहीं, जवाब दो। ये क्या जवाब देगा ऑफिसर, झूठ के पांव नहीं होते। पर तुम्हें कब पता चला रोहित कि तुम्हारा हमशक्ल भी है? अभी अभी मैं तुमसे मिलने आ रहा था, बाहर सारे दोस्त मिल गए और सारी कहानी समझ में आ गई। मैं नहीं तुम्हारे दोस्तों को मारा है, हमसे तुम्हारी दुश्मनी क्या है, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? बिगाड़ा तुमने नहीं, तुम दोनों के बाप ने है। पापा ने? हाँ, इस रोहित का बाप पूजा के बाप का वफादार नौकर था। एक दिन उसकी मुलाकात मेरी मां से हुई और जल्द ही दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के दीवाने हो गए और उनके प्यार का नतीजा बनकर मैं पैदा हुआ। अचानक एक दिन वो मेरी माँ को धोखा देकर भाग गया। महीनों बीत गए, उसका पता पूछने मेरी माँ पूजा के बाप के पास आई, पर उस कमीने ने पहले उसका बलात्कार किया और फिर उसे मरवा दिया। सीने में बदले की आग दबाए मैं पूजा के बाप को तलाश करने के लिए उसके बंगले पे पहुंचा। वहां मुझे मालूम पड़ा कि बंगले का मालिक मर चुका है। उसकी एक जवान बेटी है पूजा, जो कनाडा में रहती है और कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान लौट रही है। मैं पूजा का इंतजार करने लगा। उसी बीच अपने मां के प्रेमी को ढूंढता हुआ मैं रोहित के घर पहुंचा और वहां पहुंचकर देखा कि रोहित के मां बाप भी मर चुके हैं। वहां रोहित की तस्वीर देखकर मैं चौंक पड़ा, हूबहू मेरी शक्ल। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने फैसला किया कि मैं रोहित बनकर पूजा को मारूंगा ताकि पूजा के खून के इल्जाम में रोहित को फांसी लगे। तब से हर पल मैंने रोहित पर नजर रखना शुरू किया और जब जब रोहित रात को गैराज में काम करने के लिए निकलता, मैं किसी न किसी कैसीनो, किसी न किसी क्लब में हंगामा खड़ा करता। मेरी गाड़ी के ब्रेक्स तुमने फेल किए थे? हाँ, इसका मतलब मेरे रूम में एग्रीमेंट और साइनेट का पिन भी तुम ही ने रखा था। हाँ, मेरा प्लान सही चल रहा था कि बीच में प्रॉब्लम बनकर सिमरन आ गई। सिमरन रोहित को दिलो जान से चाहती थी और इस बात का पता मुझे तब चला जब मैं पूजा को ठिकाने लगाने के लिए हॉस्टल में दाखिल हुआ था कि सिमरन ने मुझे रोहित समझकर पकड़ लिया। इसलिए एक दिन मैंने उसे मोहब्बत का झांसा दिया और समझा दिया कि वो कुछ दिनों तक वैसे ही रहे, लेकिन तब तक पुलिस का शक रोहित पर से हट चुका था। इसलिए मजबूर होकर मुझे खुद ही आपको रोहित के खिलाफ इंफॉर्मेशन देनी पड़ी। यानी मेरा अंदाजा सही था कि पूजा के चक्कर में ही पूजा के दोस्त मारे जा रहे हैं। मिकी और प्रेम का दुर्भाग्य था कि वो पूजा के बीच में आ गए थे। लड्डू और सिमरन मेरा राज जान गए थे, इसलिए उन्हें मारना भी मेरी मजबूरी थी। बंद करो ये बकवास, किसी इंसान की जान लेना मजबूरी नहीं, वैशीपना है। इस वैशीपन के जिम्मेदार थे तुम्हारे पाप और उनके कर्मों की सजा भुगतोगे तुम।